Hello everyone, welcome to Recognition IAS. Today we are going to see some economic crisis situations. In fact, recent में अभी एक news आ रखी है जो IMF के द्वारा आई है और उन्होंने बोला है कि हम लोग again global recession के तरफ या फिर global economic crisis जो 1929 में हो रखी थी उसकी ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं. तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में ये जो global economic crisis थी वो क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, सारी सिचुएशन को समझेंगे. स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स या फिर क्वेरी करने के लिए. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. सबसे पहले ये है हमारी न्यूज जिसमें कहा गया है कोरोना वायरस ग्लोबल इकोनॉमी टू विटनेस वर्स्ट फॉल आउट सिंस ग्रेट डिप्रेशन, और ये बोला गया IMF के द्वारा. हम लोग देखेंगे कि ये ग्रेट डिप्रेशन है क्या क्या. So we are going to see Great Depression of 1929, Financial Crisis of 2008, and then we will look 2020 crisis, क्या चीज चल रही है, क्या कर सकते हैं हम. तो बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो होगा इन दोनों क्राइसिस के ऊपर, और इन्हीं दोनों क्राइसिस से हमें कुछ lessons लर्न होंगे, एंड देन वी विल यूज दैट लर्न lessons इन 2020 क्राइसिस. उसके बारे में देखेंगे कि क्या चीज हम कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा, और स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू लुक इनटू सम बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स. हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मनी हमारी सेम है, मतलब कि मनी लोगों के या तो पास में होगी या बैंक के पास में होगी या सरकार के पास में होगी, तो अगर पैसा अगर लोगों के पास पड़ा हुआ है तो या तो लोगों के पास में होगा या फिर बैंक में होगा. अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी इन द इकोनॉमी. Then why there is a crisis situation? आखिर में दिक्कत क्या है यहां पर. तो अगर देखें तो हमारे पास एक होती है कंट्री की इकॉनमी, दिस इज द इकॉनमी ऑफ द कंट्री, एंड देन देयर एग्जिस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी. जैसे हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो RBI हो जाती है हमारी रेगुलेटरी बॉडी, दैट डज नॉट काउंट इन द इकॉनमी ऑफ द कंट्री. तो हमें ये सेपरेट लेके चलना होता है. इस इकॉनमी में हमारी कौन कौन सी आ जाती है, एक आ जाती है जो पब्लिक होती है, देन आ जाती है जो गवर्नमेंट होती है, देन आ जाती है बैंक्स आ जाती हैं, देन आ जाती है NBFC हो जाती है. तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर विच इज देयर इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. अब स्टार्ट होता है कि अगर पब्लिक के पास में या तो पैसे होंगे, या तो गवर्नमेंट के पास में पैसे होंगे, बैंक के पास में पैसे होंगे, NBFC के पास में पैसे होंगे. तो अगर इकोनॉमी में पैसा ऑलरेडी है, या तो वह पब्लिक के पास होगा या फिर ये मूव करके गवर्नमेंट के पास चला जाएगा या मूव करके बैंक के पास चला जाएगा. अल्टीमेटली इकोनॉमी में तो पैसा रहेगा ही रहेगा. तो फिर अगर प्रोडक्शन हम रोक भी देते हैं या फिर किसी प्रकार की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ भी जाता है तो प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम क्यों निकल के आ रही है, ये क्या चीज है. अगर हम अपने बैंकिंग एक्टिविटी को देखते हैं तो देयर इज अ बैंक, बैंक होती है जहां पर लोग पैसे जमा करने जा रहे होते हैं, यहां से ये लोग अपने पैसे इसमें जमा कर रहे होते हैं. लेकिन बैंक ऑब्वियसली इस पैसे को, जो भी यहां से पैसे ये पाया हुआ है, इस पैसे को यहां पर आइडल नहीं रखेगा, इसको ये इन्वेस्ट करेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल ट्राई टू मेक सम प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे होंगे हमारे ये बैंक. अब यहां से ये प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे ये लोग लोन दे करके. अब लोन किस तरीके से, देखिए पब्लिक को मान लेते हैं कि 5% अगर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो ऑब्वियसली लोन के फॉर्मेट में ये 10% निकाल भी रहे होंगे. क्यों निकाल रहे होंगे, पहली चीज कि ये लोग ट्रस्ट करके कुछ कोलैटरल के बेसिस पे लोन दे रहे हैं. अगर मान लीजिए लोन वापस नहीं आता है, देन दे हैव टू मेक श्योर कि सम अमाउंट ऑफ मनी इज स्टिल देयर विद द बैंक, सो दैट दे कैन रीपे द डिपॉजिटेड अमाउंट, जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको वापस कर सके. तो इस वजह से थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए और थोड़ा सा मेजरमेंट रखने के लिए लोन में कुछ इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं. तो ये चलती है सिस्टम. अब यहां पर सिस्टम में एक्चुअली है क्या, अब देखिए सिस्टम में क्या है. सपोज यहां पर मान लेते हैं कि कितने लोग हैं, 6 लोग हैं. 6 लोगों के पास मान लीजिए टोटल मार करके 10 लाख रुपए ये लोग इनके पास है, 10 लाख रुपीज. और मान लेते हैं इसके पास में ये जो फर्स्ट पर्सन है इसके पास मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीज है. सपोज 1 लाख रुपीज है. अब सपोज इस लेडी ने बैंक में जमा कर दिया और बैंक वाला बोलता है कि तुम एक काम करो, 1 साल बाद आना अगर डिपॉजिटेड अमाउंट लेने, आई एम गोइंग टू गिव यू 1,10,000, मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा. तो अब ये लेडी क्या करेगी, दिस लेडी इज गोइंग टू सी इन द फ्यूचर
कि अब मेरे पास पैसा 1 लाख नहीं, मेरे पास ये पैसा 1,10,000, 1,10,000 इतनी अमाउंट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है. व्हाट बैंक विल थिंक? बैंक विल थिंक कि मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है. अब 1 लाख रुपए में से मान लेते हैं कि इन्होंने लोन दे दिया सपोज किसी एक पर्सन को, और लोन दिया है टोटल मार करके मान लेते हैं 90,000. तो 90,000 अब ये पैसा इस बैंक इस पर्सन के पास में आ गया 90,000. तो एक्चुअल में इकोनॉमी में प्रिंटेड अमाउंट कितनी है? प्रिंटेड अमाउंट का मतलब क्या हो गया? एम जीरो एक तरीके से. तो एम जीरो केवल और केवल इस पर्सन के हिसाब से देखा जाए जिसके पास में एक पैसा है, वो पैसा आ जाएगा कितना? 1 लाख रुपीज. तो एक्चुअल में द अमाउंट इज ओनली 1 लाख, 1 लाख रुपए केवल है. ओवरऑल 10 लाख है लेकिन इस पर्सन के रिस्पेक्ट में केवल 1 लाख रुपए है, जिसको हम लोग एम जीरो बोलते हैं. इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ एम जीरो, एम वन, एम थ्री, काइंडली गो बैक एंड लुक इन टू द एनसीईआरटी. इसके बाद होती है जिसको बुलाता है एम थ्री. एम थ्री एक चीज होती है जो एक्चुअल में टोटल मनी इन ट्रांजेक्शन होती है, मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन होती है. इसका मतलब क्या चीज है? देखिए, इस लेडी को कितना पैसा सोचेगी कितना मिलना है? 1,10,000 रुपए इसको मिलने वाला है. ओके, बैंक के पास कितना है? बैंक के पास 1 लाख रुपए मिलने वाला है. इस पर्सन के पास कितना है? 90,000 है. तो इस तरीके से जो टोटल मनी अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल मनी आप कितना यहां पर बना दिया आपने? आपने टोटल बना दिया 3 लाख रुपए. 3 लाख रुपए आपने बना दिया, मतलब 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया. कैसे? सब केवल और केवल अजम्पशन पे है. इस लेडी को लगता है कि मैं 1,10,000 रुपए पाऊंगी. बैंक वाला कहता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है. इस पर्सन को लगता है कि मेरे पास 90,000 रुपीज है. तो इकोनॉमी में मतलब कि जो पैसा है बेसिकली 1 लाख नहीं 3 लाख इन द सर्कुलेशन है. अगर इस तीनों में से बैंक हो गया, ये लेडी हो गई या पर्सन हो गया, इन तीनों में से किसी एक ने भी डिफॉल्ट किया, किसी ने भी चोरी किया, तो इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी. क्योंकि किसी ना किसी एक बंदे को पैसा नहीं मिलेगा और वो चीट कर दिया जाएगा, ही विल बी चीटेड. तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में अब क्राइसिस हो सकती है. तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली इकोनॉमी में पैसा होने के बावजूद इकोनॉमी क्रैश कैसे कर सकती है. क्लियर हुआ क्या चीज है? इस पूरे सिस्टम को वी हैव गिवन अ नेम, और वो नाम क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है एक इसको, वर्चुअल क्राइसिस, वर्चुअल इकोनॉमी. दिस इज बेसिकली वर्चुअल इकोनॉमी. क्लियर हो गया क्या चीज है इस वर्चुअल इकोनॉमी के बारे में? अब देखिए, इस वर्चुअल इकोनॉमी के कारण से होता क्या है? एवरी कंट्री डज दिस काइंड ऑफ सिनेरियो. हर एक कंट्री इसी तरीके की चीजें कर रही होती है. लेकिन यहां पर क्या होता है, कई बार अब ऑब्वियसली आप पैसे को रख करके उसको आइडल तो बनाएंगे नहीं, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. अगर आपको ग्रोथ करनी है तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई करने के लिए कंट्री में कई बार ग्रोथ होती है और कई बार रिसेशन पीरियड भी आते रहते हैं. तो दिस इज द साइकिल ऑफ इकोनॉमी, जहां पर आपको कई बार एक्सपेंशन देखने को मिल रहा होता है और कई बार आपको डिप्रेशन देखने को मिल रहा होता है. ये इकोनॉमी का रूल है कि एक साइकिल पे घूम रही होती है. कभी ये ऊपर जा रही होती है तो कभी ये नीचे जा रही होती है. और ये साइकिल अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में लगते हैं 13 क्वार्टर. 13 क्वार्टर लगते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी आपका कवर किया गया है. तो 13 क्वार्टर का टाइम लेती है एक इकोनॉमी अपने आप को रिवाइव करने में. लेकिन यहां पर कुछ गवर्नमेंट मेजर्स वगैरह हमें लेने होते हैं लगातार, सो दैट ये इकोनॉमी जो अपनी साइकिल मेंटेन कर रही है ये मेंटेन किए रहे. तो बाय दिस आप जान चुके हैं कि वर्चुअल इकोनॉमी क्या होती है, क्राइसिस कैसे आ सकते हैं, एंड साइकिल ऑफ इकोनॉमी क्या चल रही होती है. क्लियर हो गया क्या चीज है? अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिप्रेशन ऑफ 1929 क्या चीज है, क्या हुआ, कैसे हुआ. द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s वॉज अ सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच अफेक्टेड द होल वर्ल्ड. वाई होल वर्ल्ड? क्योंकि हर एक कंट्री के अपने इन्वेस्टर्स होते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन एवरी कंट्री. हर एक कंट्री में जहां भी मार्केट अच्छी होती है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के कारण इकोनॉमी अब इन्वेस्टर पे डिपेंडेंट हो जा रही होती है. अगर ये डिपेंडेंसी या फिर अगर ये इन्वेस्टर अपना पैसा वापस से खींच ले तो इकोनॉमी में पैसा वापस निकल जाएगा, स्क्वीज कर जाएगा, और फिर अल्टीमेटली इकोनॉमी में एक क्राइसिस आ जाएगी. तो यहां से हम लोग एक समझ सकते हैं, द होल वर्ल्ड इज बेसिकली कनेक्टेड, और जो सबकी इकोनॉमी है वो कनेक्टेड है. एक जगह पर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू सर्वाइव.
कुछ लोग ज्यादा सर्व कुछ लोग प्रॉब्लम ज्यादा फील करेंगे और कुछ लोगों में कम क्राइसिस आएगी, लेकिन आएगी हर जगह। इसलिए बोला जाता है कि अगर यूएस फेड के अगर में यूएस फेड में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली हर एक कंट्री वो इंडिया भी उसको प्रॉब्लम फील करेगी। अब ज्यादा या कम दैट डिपेंड्स ऑन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द नेशन। चलिए खैर, तो विच अफेक्टेड द होल वर्ल्ड यूएस इन पार्टिकुलर। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स। तो दो वर्ल्ड वॉर के बीच में, मतलब कि 1919 से 1939 के बीच में आता है 1929 और ये आता है डिप्रेशन का एज। यहीं पर आपकी सारी की सारी कहानी छिपी हुई है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग कि बेसिकली हुआ क्या। तो व्हाट वर द कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस 1929। हुआ क्या कि यहां पर स्पेकुलेशन ऑन द बोरोड मनी विच लेड टू द कोलैप्स ऑफ अमेरिकन शेयर मार्केट। लाइक वी हैव, हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सिमिलरली अमेरिका में शेयर मार्केट है, सिमिलरली, ठीक है। एंड आप हमेशा कीप इन माइंड दैट जो हमारी यूएसए है वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट का मतलब दे हैव फ्री मार्केट, लॉसेस फेयर पे काम कर रहे होते हैं। अब देखिए अमेरिका के शेयर मार्केट में हुआ क्या, 1919 में वर्ल्ड वॉर छिन जाती है और वर्ल्ड वॉर के कारण से यहां पर मतलब कि पैसे को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक रेगुलेटर बनने के लिए अमेरिका बॉन्ड्स जारी कर देता है, बॉन्ड्स, एंड दैट इज वॉर बॉन्ड्स। वॉर बॉन्ड में क्या होता है, पहले गवर्नमेंट निकाल रही होती है सो दैट मनी का मेजर हमेशा बना रहे गवर्नमेंट के पास में। अब चूंकि यहां पे गवर्नमेंट निकाल रही है तो ऑब्वियसली यहां पर ट्रस्ट का एक फैक्टर आ जाता है। यहां पर लोगों को लगता है कि बैंक डिफॉल्ट कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट कहां जाएगी, गवर्नमेंट थोड़ी ना डिफॉल्ट करेगी। तो बॉन्ड के बदले में लोग यहां पर आराम से अपना क्या करते हैं, पैसे वैसे दे दे करके बॉन्ड लेना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से बॉन्ड के थ्रू पैसा जो भी डॉलर है ये गवर्नमेंट के पास आ जाता है और गवर्नमेंट इसको वॉर जोन में लगा देती है। जब ये वॉर बॉन्ड्स काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमेशा जो प्राइवेट प्लेयर होंगे वो जरूर उसका सहारा ले लेंगे। तो प्राइवेट प्लेयर भी क्या करते हैं, अब वॉर बॉन्ड्स निकालना जारी कर देते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट है, बॉन्ड्स विल बी लिमिटेड, तो ऑब्वियसली अब क्या होगी, जो बाकी की जनता है चूंकि कैपिटलिस्ट माइंडसेट है तो क्या होगी, बाकी की जनता भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इन प्राइवेट प्लेयर के पास चली जाएगी बॉन्ड खरीदने के लिए। तो यहां पर लोगों के पास पैसा है इसलिए अपना बॉन्ड वगैरह खरीद रहे हैं, तो प्राइवेट पार्टी भी क्या करेगी, अपना पैसा बनाएगी, लेकिन ये पैसा बनाएगी वॉर के लिए नहीं, दे विल ट्राई टू मेक देयर ओन प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बना रहे होंगे। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर इस बॉन्ड की वैल्यू अगले ही पल पता चल जाए कि ये क्रैश होने वाली है, ये प्राइवेट प्लेयर है, इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है पैसा देने के लिए। अब ये तो वही यस बैंक वाली सिचुएशन हो गई जहां पर तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, यहां पर गवर्नमेंट के पास में तो अल्टीमेटली किसी भी तरीके से पैसा उठा ही लेंगे, तो यहां के लोग कभी भी जाएंगे नहीं अपना पैसा वापस लेने, लेकिन यहां के लोग दे विल से कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, आई वॉन्ट टू सेल योर बॉन्ड अगेन, मुझे आपका बॉन्ड नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कंडीशन ये हुई कि ये प्राइवेट प्लेयर हमेशा, या हमारा जो प्राइवेट प्लेयर है ये फॉल डाउन करना शुरू हो गया, दिस फॉल डाउन, ये फॉल डाउन हो गया, एंड दैट इज हाउ अमेरिका की जो मार्केट शेयर थी, शेयर मार्केट जो थी वो अब धीरे धीरे कोलैप्स करने की सिचुएशन पे आ गई थी। समझ में आया क्या चीज है वॉर बॉन्ड का मतलब। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रैपिड सेलिंग क्रिएटेड फर्दर फॉल। तो अगेन वही चीज है कि रैपिड सेलिंग स्टार्ट हो गई थी तो इस तरीके से अमेरिका की जो शेयर मार्केट थी वो फॉल डाउन होना शुरू हो गई। इसके अलावा फेलर ऑफ द बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से यहां पर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, यहां पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को जो पैसा दिया जाने वाला था वो नहीं दिया जा पाया, तो इस तरह से दिक्कत में आ गई। इकोनॉमिक इनएक्टिविटी ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर थोड़ी सी कहानी आप लोग सुन लीजिएगा कि केस क्या है, और केस में एक और चीज यहां पर समझ लीजिए, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं लाइक रोअरिंग, रोअरिंग ट्वेंटीज, ये क्या चीज है रोअरिंग ट्वेंटीज। एक्चुअल में 1920 टू 1929 के बीच में ये जो हमारी वॉर बॉन्ड वाली कंडीशन थी ये बहुत ज्यादा नेम फेम में आ गई थी, जिसके कारण से जो हमारे बैंक्स थे या हमारे जो ये स्ट्रीट मार्केट के लोग हैं ये काफी ज्यादा फ्लो कर गए थे, काफी ज्यादा ही कह दीजिए कि प्रॉफिट कमा रहे थे, तो इसलिए इनको बोला था रोअरिंग ट्वेंटीज की काफी अच्छे, मतलब ट्वेंटीज के टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशन इज वेरी गुड, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या होता है कि हमारे यहां पर इकोनॉमिक इनएक्टिविटी, अब ये व्हाट इज दिस,
1919 में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर हो रखी है, वर्ल्ड वॉर के दौरान में क्या होगा, अमेरिका तो अपनी इकोनॉमी को काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है थ्रू दिस वॉर बॉन्ड्स, लेकिन बाकी की कंट्रीज जो एक्सिस कंट्रीज है, जिनके पास में पैसा नहीं है, जो हारते जा रहे हैं, उनके पास में अब देयर इज नो मनी, मनी नहीं है, तो अब क्या होगा मार्केट में जब मनी नहीं रहेगा तो जो भी इंपोर्ट का आइटम होगा, जो भी इंपोर्ट करेंगे कंट्रीज, वो अब कम पैसा देने की बात कहेंगे कि मुझे कम पैसा देना है। अब यहां पर अमेरिका में सिचुएशन क्या चल रही थी यूएसए में कि अमेरिका में इस साल एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे वो काफी ज्यादा हो गए थे, मतलब यहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन चला गया था। अब एक ऑप्शन तो हमेशा रहता है कि यहां पर जो हमारी लोकल मार्केट है उस लोकल मार्केट में सामान दीजिए एंड देन फर्दर जो भी मार्केट में फर्दर जो भी चीज बची हुई है वो आप ट्रांसफर कर दीजिए इंपोर्ट के जरिए, इंपोर्ट कर दीजिए मतलब कि एक्सपोर्ट कर देंगे अमेरिका वाले मार्केट में, लेकिन पैसा कम है यहां पर ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे उस समय के जो प्रेसिडेंट थे यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने मार्केट की प्राइस को मतलब कि इस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कम नहीं किया, सेम रेट पे रखा, जिससे क्या हुआ कि मार्केट बाहर के जो लोग थे दे रिजेक्टेड द प्रोडक्शन या फिर दे रिजेक्टेड द गुड्स ऑफ द यूएस। अल्टीमेटली हुआ क्या, ये सारा का सारा जो भी एक्सपोर्ट में जाने वाला था वो भी लोकल मार्केट में आ गया, डिमांड एंड सप्लाई और अल्टीमेटली जो प्राइस ऑफ द गुड्स विच कवर्ड विच केम फ्रॉम एग्रीकल्चर वो अब गिरना शुरू हो गए, जिससे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एग्रीकल्चरल मार्केट के जो लोग थे वो अब बेवजह परेशान होना शुरू हो गए क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उनकी इस तरह की कंडीशन हो गई थी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स करने पे आ गया था, एक साइड में जहां वॉल स्ट्रीट गिर गई थी, दूसरे साइड में इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिल रहा था, तीसरे साइड में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी अब खराब हो गए, और ये सारा का सारा इस व्यक्ति के कारण हुआ। दिस वॉज द मैन उस समय के प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, दैट वॉज हर्बर्ट हूवर। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होती है एंड दिस होल क्राइसिस शुरू हो जाता है। तो यहां पर क्या होती है सिचुएशन यही होती है, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती है, हमारे नए राष्ट्रपति आते हैं, हमारे मतलब यूएस के नए राष्ट्रपति आते हैं, और नए राष्ट्रपति आते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ये आते हैं तो इन्होंने क्या करते हैं कि सिचुएशन देखते हैं कि भाई हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बड़ी खराब चल रही है, इसको सही करना पड़ेगा। तो सही करने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए, द मेजर्स लाइक इन्होंने रिलीफ रिकवरी एंड रिफॉर्म, इन थ्री आर्स पे इन्होंने फोकस किया, दैट इज रिलीफ रिकवरी एंड रिफॉर्म। इस रिलीफ रिकवरी रिफॉर्म के जरिए कई सारे मेजर्स लिए गए, जैसे इंप्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए इन्होंने टेनसी वैली अथॉरिटी, ये एक कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया, दैट वाज द डैम प्रोडक्ट डैम कंस्ट्रक्शन, और इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, जो 25% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे वो वापस से एम्प्लॉयमेंट पाना शुरू हो गए। इसके अलावा फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, दैट इज फंड फॉर द स्टेट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट, ये स्टार्ट हुआ ताकि बेटर तरीके से सोशल मेजर्स प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा फेडरल रिजर्व बैंक स्टार्ट हुई, जिससे कि अब लोगों को लोन देना शुरू हो, इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो जाए काम करना, इस तरीके से चीजें हुई। फिर बाकी स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि जो हमारे वॉर बॉन्ड प्राइवेट पार्टी ने निकाल रखी थी उनके ऊपर कोई मेजरमेंट नहीं था, उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, मॉनिटरिंग करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट 1934 लाया गया, और इस तरीके से स्टॉक मार्केट पे अब मॉनिटरिंग रेगुलेशन स्टार्ट हो गई। फिर नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट लेकर के आए, जिससे कि वर्कर्स की जो वेज है या वर्किंग आवर है इनको रेगुलेट किया गया। फिर एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट आया, जिससे कि कंपनसेशन टू द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्राइस को किस तरीके से डिसाइड करना है ये किया गया। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कर फॉर द वेजेस एंड वर्किंग आवर, इसको लेकर के स्टार्ट हुआ सिस्टम। फिर वर्किंग आवर की रिस्ट्रिक्शन हो गई, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया। And then there happened one more thing, Federal Deposit Insurance Corporation, जिससे कि लोग अब वापस से अपना पैसा बैंक में जमा करने आए, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो चुका था because of that economic crisis. तो अब लोग वापस कैसे आए अपना पैसा जमा करने, अपना पैसा तभी जमा करेंगे when they will have some insurance. और एक Deposit Insurance Corporation की स्थापना की गई कि अगर इनकी कल को आपका पैसा डूबता है तो हम आपकी पूरी पैसा वापस करेंगे। कौन? ये फेडरल इंश्योरेंस वाले लोग, ये करेंगे पूरा पैसा वापस। इस तरीके से इकॉनमी में वापस से पैसा आना शुरू हो गया, धीरे 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 इकॉनमी रन करना शुरू हुई। लेकिन इकॉनमी एक्चुअल में रन करना शुरू हुई थी जब 1939 की वर्ल्ड वॉर टू शुरू होती है। क्यों? बिकॉज जो यूएस की इकॉनमी है दैट वॉज मार्शल प्लान के तहत चली,
और ये मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान है लोग लड़े तो लड़े, हमें क्या करना है, हमें डिफेंस के इक्विपमेंट्स, डिफेंस के टूल्स बनानी है। तो इन्होंने डिफेंस के टूल्स बनाना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली जो लड़ रहा है या लड़ा रहा है दोनों को बेचना शुरू कर दिया और इस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी राइज करना शुरू कर दी। तो ये थी पूरी की पूरी सिस्टम जो कि हमारी यूएस की इकोनॉमी चलती है। ग्रेट डिप्रेशन 1929 का पूरा केस हो जाता है। क्लियर हो गया क्या सिस्टम है 1929 में, किस तरीके से सिचुएशन हुई, क्या हुई। नाउ द सिस्टम इज मोर रेगुलेटेड एंड मोर मॉनिटर्ड। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो साइकिल मेंटेन करती है। तो एक साइकिल में तो डिप्रेशन चला गया था तो राइज होना ही होना था। 1939 में राइज होना शुरू होता है लेकिन ये भी राइज कभी ना कभी तो गिरना ही था। तो गिरते संभलते देयर हैपेंड वन मोर अगेन बिग थिंग, एंड बिग थिंग वॉज दैट वॉज बिग थिंग था कि जो आगे बना दैट वॉज द लेहमैन ब्रदर की बैंक फेलियर। तो ग्राफ मूव करता है, ग्राफ आगे बढ़ता है एंड देन अगेन दिस लेहमैन कोलैप्स इन 2008। अब इस 2008 में जो कोलैप्स, ये लेहमैन कोलैप्स हुआ था, कितना बिग कोलैप्स था, कितना बड़ा कोलैप्स था, यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर्स। द बैंक अकाउंटेबल होल्ड करिए, इस तरीके से सिस्टम होना शुरू हो गया एंड देन दिस वॉज द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। तो अब हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 एक्चुअल में क्या थी, कैसे हुई, क्या सिस्टम हुआ। तो लेट अस स्टार्ट अगेन एंड अगेन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी वापस से बैंक आ गई जो कि सारी एक्टिविटी कर रही थी, लेकिन 2008 से पहले एक नया एक एक्ट ला दिया गया, एक मॉडिफिकेशन कर दिया गया जिससे बैंक अब केवल बैंक नहीं रह गया था, बैंक अब इन्वेस्टर भी बन गया था और बैंक अब इंश्योरेंस भी बन गया था। मतलब इन द सेम इंस्टीट्यूशन यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन टेक लोन एंड यू कैन ऑल्सो गेट सम इंश्योरेंस देयर। तो आप तीनों काम एक ही जगह पे कर सकते थे। इंश्योरेंस और बैंक, ये दोनों तो हमारे इंडिया में भी चलता है लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी बैंक नहीं करती है इन द ओपन मार्केट। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। कैसे बड़ी दिक्कत थी, स्टार्ट करते हैं समझना। दिस वॉज द प्राइम फैमिली, ये हमारी प्राइम फैमिली है जो बहुत ही बढ़िया है, कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी। इनको क्या है, घर खरीदना है। घर खरीदने के लिए ऑब्वियसली लोन चाहिए होगा, तो लोन लेने के लिए ये लोग जाते हैं बैंक में एंड देन ये बैंक वाले कहते हैं हम ऐसे आपको लोन तो नहीं दे सकते हैं, यू हैव टू गिव सम मॉर्टगेज। तो आपको कुछ मॉर्टगेज देना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है चलिए मैं आपको मॉर्टगेज दे देता हूं। मॉर्टगेज देने के चक्कर में इन्होंने लोन लिया और अल्टीमेटली दे बाय देयर जो होम इन्होंने खरीद लिया। होम खरीदने के साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने लोन रिपे करना शुरू कर दिया। लोन रिपे कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई थी। इन्वेस्टमेंट का मतलब अब इनको पैसा भी चाहिए था, मोर एंड मोर प्रॉफिट इनको कमाना था। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में दे स्टार्टेड गिविंग इंश्योरेंस, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू द प्रोजेक्ट एंड दे स्टार्टेड गेटिंग द लोन्स। तो इस लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सारी चीजें करना शुरू हो गया। फिर उसके बाद से सिस्टम हेल्दी तो तब तक चला जब तक लोग लोन ले रहे हैं और उसके बदले में मॉर्टगेज दे रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम फेल कब कर जाता है, जब हमारे लीजेंड लोग आ जाते हैं। ये लोग आते हैं, अब क्या है, बैंक अब क्या है, अंधाधुंध पैसा कमा रहा है। अंधाधुंध पैसे कमाने के चक्कर में हमारे जो लीजेंड्स आते हैं, ये लीजेंड्स हमारे कहते हैं कि यार मुझे लोन तो चाहिए लेकिन यार अभी यार प्रॉपर्टी एक काम करना या मॉर्गेज एक काम करना, कल ले लेना। बैंक वाला कहेगा कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एकदम लोन ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉर्गेज जो है बाद में दे दीजिएगा। तो अब ये लोग क्या हुए, लोन लिए और फिर उसके बाद से अगले ही दिन फ्लाइट पकड़ करके ये लोग निकल लिए अपने फॉरेन की कंट्री। और इस तरीके से बैंक क्या हुआ, देखता रह गया। और यहां पर अब सिचुएशन हो जाती है जो हम लोगों ने पहले बात किया था, बैंक देन लोन एंड देन एक पर्सन की डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट कहीं ना कहीं फेल होती अगर ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो। तो इस तरीके से अगेन देयर अगेन केम द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस थी, ये एक बबल बस्ट के रूप में निकली जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रियल एस्टेट सेक्टर को पहले गिरा दिया, उसकी वैल्यू को गिरा दिया, जिससे कि हाउस लोन अब लगातार सस्ते होते जा रहे थे। हाउस लोन के चक्कर में लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू किया और बैंक वापस से बैंकरप्ट हो गया। और जो पहली बैंक थी वो थी लेहमैन ब्रदर की बैंक, जो अल्टीमेटली
got into trouble. और इस तरीके से जब एक बैंक फेल हुआ तो सारा का सारा सिस्टम धीरे 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 कोलैप्स करना शुरू हो गया एंड देन सिचुएशन केम ऑफ बबल बर्स्ट. तो इस तरीके की चीजें होना शुरू हो गई. तो ये थी पूरी की पूरी हमारी 1929 के बाद 2007 की कहानी, जो कि पूरा सिस्टम इस तरीके से इन्होंने गिरा दिया था. फिर एज पार्ट ऑफ रिजल्ट या तो एक ऑप्शन है, लेमैन ब्रदर गया तो गया, उनके ऊपर कार्यवाही करिए, लेकिन ये नहीं किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि लेमैन ब्रदर या फिर कोई भी एक बैंक जिन्होंने भी इस तरह की डिफॉल्ट की है उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज दैट बैंक इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. जैसे कि हमारे यस बैंक के साथ था, या फिर हमारे पीएनबी के साथ है, या फिर हमारी जो पूरी की पूरी एनपीए की प्रॉब्लम है इंडिया की उसके साथ में है. तो ये पूरा सिचुएशन आप छोड़ नहीं सकते हैं, यू हैव टू टेक सम एक्शन. जैसे हमारे यहां आरबीआई लेती है, सेम वैसे ही वहां पे फेडरल बैंक लेते हैं. और इस तरीके से सिचुएशन केम व्हेन देयर वाज बेल आउट पैकेज गिवन टू द बैंक्स. बेल आउट पैकेज देना शुरू हुए, जैसे कि यस बैंक को हम लोगों ने दिया हुआ था. तो ये इस बेल आउट पैकेज के बाद हम लोगों ने कुछ सिस्टम को लर्न किया, कुछ चीजों को देखा. तो पहले जरा कुछ देख लेते हैं लेमैन ब्रदर के बारे में. ऑन 15 सितंबर 2008 व्हेन द यूएस गवर्नमेंट अलाउड टू इन्वेस्टमेंट बैंक लेमैन ब्रदर्स टू गो बैंकरप्ट, व्हेन लेमैन ब्रदर्स वेंट डाउन द नोशन दैट ऑल बैंक्स वर टू बिग टू फेल नो लॉन्गर हेल्ड ट्रू. ठीक है, तो जो भी बैंक्स होते हैं वो फेल होंगे कि नहीं होंगे, ये सिचुएशन जो लोगों के मन में धारणा थी वो गलत हो गई. With the result that every bank was deemed to be risky, within a month, the threat of domino effect through the global financial crisis forced Western government to inject vast sums of capital into their bank to prevent them collapsing. तो इस तरीके से bailout package दिया जाना शुरू हो गया. Credit flows to the private sector were choked off at the same time as consumer and business confidence collapse. All this came after a period when high oil price had persuaded central bank that the priority was to keep interest rate high as a bulwark against inflation rather than to cut them in anticipation of global financial crisis. तो ये चीज हम लोगों ने सीख लिया कि भाई क्या चीज है, कैसे हुआ, किस तरह से सिस्टम हुआ. अब हम लोग जरा देखते हैं कि आखिर में किया क्या गया या हम लोगों ने सीखा क्या. तो what we have learned, हम लोगों ने इस सिचुएशन के बाद से जो हम लोगों ने 1987 में बेसल नॉर्म लेकर के आए थे, उस बेसल नॉर्म को हम लोगों ने अपग्रेड किया एंड 2009 बेसल 2 केम इनटू एग्जिस्टेंस. बेसल 2 आई जिसने बैंकिंग एक्टिविटी को और ज्यादा रेगुलेट किया. और रेगुलेट कैसे किया? इंक्रीजिंग द इक्विटी कैपिटल. जितने भी बैंक में इक्विटी कैपिटल आ रहे हैं दे हैव टू रिजर्व मोर नाउ. रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंस ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स वर द स्टेप्स दैट वर टेकन पोस्ट क्राइसिस. The measures have made banks safer than before the crisis. तो इस तरीके से safer कर दिया गया. Financial sector of emerging market economies now have more and deeper link with the international financial banks या फिर financial market. Also reflected in high foreign ownership of stocks and government bonds with large sudden capital outflow causing financial crisis. Measures to make the system safer and more resilient. The provision of emergency liquidity to the banking system remains a core function of the central bank. Such stabilization efforts can help avert broader turmoil and buy time to address the underlying problem. तो इस तरह की situation, इस तरह की चीजों को हम लोगों ने सीख लिया था. Some of the biggest bank in the world have grown even bigger after the crisis. Concentration in the bank has increased. The too big to fail problem, some banks being too large, needs focused analysis and resolution. तो इस तरीके से हम लोगों ने बैंकों को मतलब सही करना शुरू कर दिया. तो ये सारी की सारी सिचुएशन थी जिस तरह से हम लोगों ने लोगों को देखा. अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस वाज द बिल्डअप ऑफ प्राइवेट डेट, दैट इज द डेट ऑफ हाउस एंड नॉन फाइनेंशियल फर्म्स. द की ड्राइवर ऑफ द रिसेशन इन द यूएस वाज द राइज ऑफ हाउस होल्ड डेट, दैट इज द जो रियल एस्टेट की सेक्टर की चीजें थी. कंसिक्वेंट ड्रॉप इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, तो ये चीजें हम लोगों ने देखा. द इंटरनेशनल रूल दैट स्टैंडर्ड सेटर सच एज बेसल कमिटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन हैव ऑलरेडी एग्रीड मस्ट be consistently implemented across jurisdiction. तो ये banking activity को करने के लिए we need to implement Basel norms. तो this was whole thing about Great Depression. Now what is the situation? अगर हम COVID-19 के बारे में बात करें तो यहाँ पर situation क्या है? देखिए यहाँ पर किसी ने default नहीं किया है, ना तो यहाँ पर bank problem में आई है, but still there is a problem. क्यों? क्योंकि obviously अब जो system ये है lockdown की situation, ये lockdown में ना तो production हुआ है, ना तो कोई सेलिंग हो रही है कुछ खास एसेंशियल आइटम को अगर छोड़ देते हैं. तो इस तरीके से क्या है कि जो भी वर्चुअल इकोनॉमी, अगेन वर्चुअल इकोनॉमी अभी भी आज भी है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा है. तो
तो ये वर्चुअल इकोनॉमी अगेन एक बबल के फॉर्मेट में है विच मे बर्स्ट आफ्टर दिस एंड ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि लोग जाएंगे पैसा निकालने के लिए, इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रही होगी, शेयर मार्केट डाउन जा रहे हैं, तो इस तरह से देयर इज अ सिचुएशन व्हेन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ दिस बर्स्ट ऑफ बबल, तो यहां पर सिचुएशन आ सकती है। इसलिए हमें करना क्या होगा, वी हैव टू फोकस द फंडामेंटल, हमें फंडामेंटल को देखने की जरूरत है, वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी बेसिक एसेंशियल आइटम्स हैं उनके बारे में कोई दिक्कत ना हो, उस पर कोई इशू ना ही आना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर को वी नीड टू मेक श्योर कि एमएसएमई सेक्टर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा बूस्ट हो, मतलब कि जो प्राइमरी चीजें हैं वो खत्म नहीं होनी चाहिए, लोकल चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा लॉकडाउन 3.0 में जो लेवरेज भी दी गई है वो दी गई है एमएसएमई सेक्टर को। तो दिस वॉज द होल थिंग अबाउट दिस इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वॉट कैन बी डन इन दिस कोविड 19 लॉकडाउन पीरियड। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा सिचुएशन देखा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल अस ऑन द recognitionis@gmail.com। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से कुछ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।